हेलो क्लास एट, आई होप आपका 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमने सॉल्व किया है, 3/11 को 2/5 से गुणा कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में सब में क्या दिया हुआ है गुणा करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल लगा के लिखेंगे 3/11 इंटू इंटू यानी कि मल्टीप्लाई गुणा कीजिए बोला है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2/5 से इज इक्वल टू। फिर अगर देखते हैं कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं, कैंसिल तो हो नहीं रहा है इसलिए अंश का अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे और हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6/11, 5 55। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर रखा है, देखिए 8/25 को 5/16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8/25 मल्टीप्लाइड बाई 5/16, तो जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल करने के लिए बताए थे, 8 1 8 8 2 16 और 5 1 5 5 5 25। ऊपर अंश में क्या बचा है, 1 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इधर देखिए 1/5 -1/2 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 5 2 10 और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे ही आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सरल कीजिए। सिंपल लगा के दिया हुआ है गुणा का, आपको सिर्फ सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमने सॉल्व किया है, 3/20 × 4/5। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देना है। जैसे देखिए 4 1 4 4 5 20, अब 3 1 3 5 5 25। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी मल्टीप्लाई करना है, गुणा कीजिए, तो 4/15 × 9/5 × 50/3, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करना है। सबसे पहले 3 1 3 3 3 9, फिर देखिए 3 5 3 15 5 10 50, 3 1 3 3 1 3 यहाँ कैंसिल, और यहाँ 5 5 5 5 2 10, बचा क्या 4 × 2, तो 4 2 8 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट लगा के दिया हुआ है और बीच में अभिक्रियाओं से इन्हें अलग किया हुआ है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ब्रैकेट का सॉल्व करना है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो कटेगा वो काट देना है। यहाँ देखिए उतार लिया हमने क्वेश्चन को, उसके बाद 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 3 9, 5 1 5 5 2 10, उसके बाद और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 2 6/5 5 5, और ये माइनस का सिंबल, प्लस ये देखिए 3 2 6/5 1 1 1, 3 1 3 4 2 8। अब उसके बाद ये प्लस और माइनस का सिंबल है, तो इसके -6/5 प्लस माइनस माइनस 6/1 -3/8। इसके पहले आप लोगों ने अंतर वाले में देखा है कि एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके खुद से सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 2/9 और -3/11 के योग को, यानी कि इन दोनों के योग को, तो देखिए योग कर लिए हैं को 5/2 और 7/8 के योग से गुणा करना है, तो इन दोनों का योग कर लिए, यहाँ 5/2 प्लस 7/8 और इन दोनों का योग यहाँ करें, इन दोनों के योग को आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ब्रैकेट का सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट का सिंबल कौन सा लगा हुआ है, प्लस का, तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अगर प्लस और माइनस है तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बट मल्टीप्लाई का सिंबल है तो हमें बस जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करना होता है, उसके बाद बचे हुए को अंश कौन से मल्टीप्लाई करना होता है और हर का हर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 9 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 99, फिर 9 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 11, माइनस 11 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, -3 × 9, ये माइनस क्यों हुआ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किए 4 आया, 5 × 4 प्लस 8 से डिवाइड किए 1 आया, 7 × 1, 11 2 22 -9 3 27/99 5 4 20 प्लस 7 1 7/8 इज इक्वल टू। अब 22 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5, वैसे -27 से 22 को ही करेंगे बट बड़े वाले नंबर के पास माइनस है इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा, 20 प्लस 7 27 हो जाएगा 8। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, 9 1 9 9 1 9 9 3 27 इज इक्वल टू 5 3 15, 11 8 88, सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करना है, -3/2 -4/15 को 3/4 -7/12 से गुणा कीजिए, तो को की जगह हम क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि गुणा करना है सबसे पहले हमें ब्रैकेट का सॉल्व करना है। जैसे ऊपर हमने किया ब्रैकेट का सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया था, क्योंकि माइनस है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है ऊपर जैसे फोर्थ क्वेश्चन में किया वैसे ही करिएगा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, सरल कीजिए। तो सिंबल के बेस पे देखते हुए हमें सरल करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए क्या है,
ट्वेल्व अपॉन एट्टीन इंटू सिक्सटीन अपॉन टेन प्लस माइनस थ्री अपॉन नाइन इंटू एट्टीन अपॉन माइनस सिक्सटीन। सबसे पहले क्या करना है, जो कैंसिल होगा ब्रैकेट में कैंसिल करना है। तो देखिए सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, सिक्स थ्री ज़ा एट्टीन, फिर टू फाइव ज़ा टेन, बचा क्या यहाँ सिक्सटीन वन ज़ा सिक्सटी, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, प्लस यहाँ देखिए नाइन वन ज़ा नाइन, नाइन टू ज़ा एट्टीन और टू एट ज़ा सिक्सटीन, बचा क्या थ्री वन ज़ा थ्री, एट वन ज़ा एट, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ प्लस का सिंबल है तो इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा हरों का, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्या दिया है, सिक्सटीन रुपी वन, सिक्सटीन होल वन अपान टू रुपीज़ प्रति लीटर के भाव से थ्री होल फाइव अपान सेवन लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सोलह सही एक बटा दो रुपये एक लीटर दूध का मूल्य है, तो प्रति लीटर दूध का मूल्य बराबर सोलह सही एक बटा दो रुपये, और तीन सही पाँच बटे सात लीटर का दूध का मूल्य बराबर, देखिए एक लीटर का मूल्य दिया हुआ है और एक से ज़्यादा का पूछ रहा है तो हमें करना क्या है, गुणा करना है। तो सोलह सही एक बटा दो गुणे तीन सही पाँच बटा सात, सबसे पहले तो ये मिश्रित भिन्न है तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सोलह दुना बत्तीस एक तैंतीस बटा दो गुणे सात तरीके इक्कीस इक्कीस पाँच छब्बीस बटा सात, उसके बाद जो कट होता है उसे कट करते हैं टू वन ज़ा टू, फिर टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं तो अंश का अंश में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर थर्टी थ्री और थर्टीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर टू नाइन आएगा, अपान में सेवन वन या सेवन। अब ये देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो जब भी अंश बड़ा होता है और हर छोटा है तो उसे हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर देते हैं, तो सेवन से डिवाइड करेंगे फोर टू नाइन में तो हमारा क्या आएगा सिक्सटी वन, और हर में जो आएगा वो टू, तो जो हर आता है उसे हम अंश बना देते हैं और जो भागफल आता है उसे पूर्ण संख्या बना देते हैं और जिसे डिवाइड करते हैं उसे हर बना देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया है, एक रेलगाड़ी पैंसठ से एक बटा दो किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, यानी कि एक घंटे में वो पैंसठ से ही एक बटा दो किलोमीटर चलती है, तो एक घंटे में चली गई दूरी बराबर पैंसठ से ही एक बटा दो किलोमीटर, यह साढ़े छः घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो एक घंटे का दिया हुआ है एक से ज़्यादा घंटे का पूछा तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो छः से एक बटा दो घंटे में चली गई दूरी बराबर पैंसठ से ही एक बटा दो गुणे छः से ही एक बटा दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, उसके बाद जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करना है, फिर मल्टीप्लाई करके उसे चेंज कर दीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन में, आपका आंसर आ जाएगा।